एंड्रॉयड फ़ोन के सिक्योरिटी को लेकर अब काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के जरिए इसमें वायरस आ सकता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सिक्योरिटी को लेकर हमेशा खतरा रहता है। आए दिन एंड्रॉयड फ़ोन में मेलवे या वायरस देखने को मिल जाते हैं। अब सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया भर में 2.5 करोड़ एंड्रॉयड फ़ोन में एजेंट स्मिथ नाम की वायरस की चपेट में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल भारत में 1.5 करोड़ फोन इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। यह वायरस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूजर्स की जानकारी के बिना पहुंच जाता है, और खास बात यह है कि गूगल से संबंधित ऐप के जरिए फोन में आ जाता है। ऐसे में लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती है। यह ऐप यूजर्स के फोन में पहले से मौजूद ऐप को वायरस वाले ऐप में बदल देता है। इस वायरस की चपेट में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक के यूजर्स आए हैं। यदि यह वायरस आपके फोन में पहुंच गया है तो आपके इजाजत के बिना डिवाइस के पूरा एक्सेस ले चुका रहता है, जैसे कि कैमरा, लोकेशन, कॉल, मैसेज आदि के एक्सेस उसके पास होंगे। इसके बाद यह ऐप आपके फोन में तमाम तरह के वित्तीय धोखाधड़ी वाले विज्ञापन दिखा रहा होगा। इन विज्ञापन की मदद से यह वायरस आपके वित्तीय जानकारी भी चोरी कर सकता है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसका आइकॉन आपको नहीं दिखेगा। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह ऐप आपके फोन में है भी या नहीं। यह ऐप आपके फोन में मौजूद व्हाट्सएप और गूगल जैसे लोकप्रिय ऐप रिप्लेस कर सकता है। यह ऐप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करवाता है। ऐसे ऐप को डाउनलोड करने पर मजबूर करने के लिए वह फ्री गेम ऐप, एडल्ट पोर्न और फ्री ऑफर्स और विज्ञापन दिखाता है। यह ऐप जैसे थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड होने वाले ऐप इनक्रिएटेड होते हैं और उनमें पहले से वायरस मौजूद होते हैं। इसके बाद आपके फोन में आने वाले ऐप्स यूजर्स के फोन में मौजूद व्हाट्सएप, शेयरइट जैसे लोकप्रिय ऐप की जाँच करता है। इसके बाद जैसे ही पहले से तय किया गया कोई ऐप यूजर्स के फोन में मिलता है तो वायरस असली ऐप को उसके नाम से बदल देता है। ऐसे में लोगों को पता नहीं चलता कि वे असली ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वायरस वाले ऐप। ये जो एजेंट स्मिथ ऐप है ये आपके एंड्रॉयड फोन को इन्फेक्ट करता है। गूगल ने एंड्रॉयड से तकरीबन 12 से 15 ऐप निकाल दिया है, उस ऐप को इसने इन्फेक्ट किया है। अगर वो ऐप आपके फोन में है तो आगे चल के आपके व्हाट्सएप को भी इन्फेक्ट कर देता है। इंडिया में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के फोन इन्फेक्ट हो चुके हैं। जिनके फोन इन्फेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा फोन ऐड देखने को मिलता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा होगा तो आप व्हाट्सएप के सारा डेटा डिलीट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप फिर से रिस्टोर कीजिए। एजेंट स्मिथ करके जो एक मालवेयर आया है, ये मालवेयर बेसिकली एंड्रॉयड ऐप जो भी है उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। अगर हम लोग इसका स्प्रेड देखें तो 25 मिलियन डिवाइसेस अभी तक साउथ एशिया में इसने इंफेक्ट किए, उसमें से 15 मिलियन से 17 मिलियन जो डिवाइसेस है ये इंडिया से हैं। तो